ये एक इक्विपमेंट है, अगेन जैसे मैंने उधर कहा, बहुत बड़ी प्लांट की एक बहुत छोटा सा हिस्सा ये है जो कि ये दूध के सेपरेशन में मदद करता है, और ये भी मेड इन इंडिया है, ये भी हमारे चाकन प्लांट में बना है। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त शुभम, आप देख रहे हैं इंजीनियर ऑन रोड। वेलकम टू वर्ल्ड डेयरी समिट, स्वागत है आपका। और आज मैं आपको लेकर आ गया हूं एक ऐसे कंपनी के स्टॉल पर जो फूड प्रोसेसिंग प्लांट सेटअप के लिए टर्न की सॉल्यूशन देते हैं। एवरीथिंग यहां पर आपको इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग है, तो सारा कुछ आपको दिखाने वाले हैं, और साथ ही कंपनी के जो भी रिप्रेजेंटेटिव है उनसे बात करवाने वाले हैं, देखने वाले हैं प्रोडक्ट के बारे में और आप कैसे बिजनेस डील कर पाएंगे, एवरीथिंग के बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं। सो हेलो मैम, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया, थैंक यू फॉर कमिंग टू अवर बूथ। एक बेसिक इंट्रोडक्शन देंगे अपना? मेरा नाम निर्जरा है, मैं कम्युनिकेशन डायरेक्टर हूँ टेट्रा पैक की साउथ एशिया मार्केट्स के लिए, और मैं मीडिया एक्सटर्नल कम्युनिकेशंस देखती हूँ। कहाँ पर आपकी ऑफिसेज है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहाँ पर है? जी, हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एक्चुअली है महाराष्ट्र में, एक चाकन करके जगह है पूना के पास, वो आपने सुना होगा इंडस्ट्रियल हब है, वहाँ पर हमारी मैन्युफैक्चरिंग होती है, जहाँ पर जो आप ये कार्टन्स देखते हैं जूस के, दूध के, अमूल वगैरह के, उसका पैकेजिंग मटेरियल हम बनाते हैं, और बेवरेजेस प्रोसेस करने की जो इक्विपमेंट होती है वो भी हम मैन्युफैक्चर करते हैं ऑन साइट पूरी इंडस्ट्री के लिए। तो आप कोई भी नाम सोच लीजिए, पेप्सिको से लेके अमूल तक, काफ़ी हद तक चांस है कि उनका जो बेवरेज है या तो वो हमारी प्रोसेसिंग के थ्रू बना होगा या हमारे कार्टन में पैकेज होगा, मतलब लिक्विड फॉर्म में जो भी होगा उसके प्रोसेसिंग के लिए सारा टर्नकी सॉल्यूशन से मिलने वाला है। एब्सोल्यूट, चाहे मिल्क हो, बेवरेज हो, कुछ भी, बिल्कुल, ORS हो, मिल्क हो, जूस हो, अब इतना प्लांट बेस्ड चीज़ें आ गई हैं, जो आप जो बेवरेज आप सोचें उसका इक्विपमेंट सॉल्यूशन हमारे पास होगा। अच्छा, यहाँ पर काफ़ी प्रोडक्ट आपने शोकेस किए हैं, कुछ प्रोडक्ट के बारे में देख लेते हैं, क्या खासियत क्या रहती है? देखिए, ये हमारा एक फ्रीज़र है, आपको शायद ना पता हो, क्योंकि जब टेट्रा पैक के बारे में सोचते हैं तो आप ड्रिंक के बारे में सोचते हैं, पर ये इक्विपमेंट एक्चुअली आइसक्रीम बनाने के काम आता है। तो हमारे जो प्रोसेसिंग बिजनेस है उसमें कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट्स हैं जैसे खोआ हुआ, पनीर हुआ, आपका फर्मेंटेड बेवरेजेस हुआ, हम पल्पिंग का भी एक सोल्यूशन अभी बना रहे हैं। तो ये वो प्रोडक्ट है जो ज़रूरी नहीं है कि कार्टन के अंदर आए, पर वो प्रोसेस हमारे इक्विपमेंट पे किया जाता है। तो जैसे ये इक्विपमेंट है कंटिन्यूस फ्रीज़र हमारा, ये आइसक्रीम प्रोसेस करने के काम में आता है। ये एक इक्विपमेंट हम दिखा रहे हैं, ये मेड इन इंडिया इक्विपमेंट है, ये हमारा चाकन प्लांट पे बनता है। एक ये हम आज दिखा रहे हैं, एक उधर चलेंगे तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये पार्ट है या फुल है? ये एक बहुत बड़ी लाइन का एक बहुत छोटा पार्ट है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि हज़ारों लाखों लीटर आइसक्रीम बनाने के लिए बहुत लंबी लाइन लगती है, उसमें बहुत सारे इक्विपमेंट होते हैं, उसमें से एक इक्विपमेंट ये है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो मेनली आप जो यूज़ करते हैं ये किस तरह की मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी की अगर बात करें? वो वर्ल्ड क्लास क्वालिटी। तो हमारा देखिए, हमारा फंडामेंटल एकदम क्लियर है कि जो टेट्रा पैक की ग्लोबल क्वालिटी है, हम एक स्वीडिश कंपनी है, तो जो वहाँ की क्वालिटी है आप किसी भी कंट्री में जाके खरीदेंगे, इट विल बी द सेम क्वालिटी, इट विल नॉट बी टेट्रा पैक इंडिया क्वालिटी, इट विल बी द टेट्रा पैक क्वालिटी। एब्सोल्युटली, एंड एनी वे ये खाने की चीज़ है, तो इसमें क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ करने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। मतलब ये बोल रहे हो कि टेट्रा पैक क्वालिटी, मतलब आप साइनोनिम बोल रहे हो कि भाई अगर इस इंडस्ट्रीज में जाओगे तो आप टेट्रा पैक के स्टैंडर्ड पे आप आओ। बिल्कुल, देखिए आप वर्ल्ड डेयरी समिट में आए हैं, आप हमारे सारे कस्टमर्स यहाँ आए हैं, अमूल से लेके और नेस्ले तक, आप जहाँ जाएंगे आपको टेट्रा पैक क्वालिटी के बारे में वो शायद ज़्यादा बेहतर बता पाए मुझसे। तो यहाँ पर ये 150 से 700 लीटर आइसक्रीम पर आवर? जी हाँ, जी हाँ, ये प्रोसेस कर सकता है। जी, ये पूरा प्लांट लगाएं? पूरा प्लांट लगाएं, जी जी। क्या एक एरिया क्या लेता है और बजट क्या रहता है? देखिए, वो डिपेंड करता है कि आप कितना बड़ा प्लांट है, आप अगर आप छोटा कंपनी है तो उस हिसाब से कस्टमाइज़ किया जा सकता है, अगर आप अमूल लेवल का कंपनी है तो उस हिसाब से कस्टमाइज़ किया जा सकता है। ये इस सवाल का जवाब देना बहुत मुश्किल है, इट डिपेंड्स ऑन योर एपिटाइट फॉर इन्वेस्टमेंट। अच्छा, अगर एज ए कोई शुरू करना चाहते हैं इस इंडस्ट्रीज में, आप जैसा कि बोल रहे हैं कि छोटे से, क्या कुछ उनके लिए आप बोलना चाहेंगे और किस तरह की वो बजट? देखिए, एक बेयर मिनिमम जो है, थ्रेश होल्ड जिसको कहते हैं, कि इतना मान लीजिए अगर आपको 100 से 700 लीटर तक बनाना है पर आवर, तो इस टाइप का इक्विपमेंट जो है चल सकता है, लेकिन अगर आपको इससे कम बनाना है तो वो इक्विपमेंट ये नहीं होगा, फिर वो कुछ और होगा, या शायद हमारे पास ना भी हो, पर कस्टमाइज़ किया जा सकता है। तो वो है कि आप अपनी रिक्वायरमेंट बताएं, कंपनी से बात करें और जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो समझ ली जाएगी और उसके अकॉर्डिंग आप डिज़ाइन करके उनको दें। जी, जहाँ तक बन पड़ेगा हम कोशिश करते हैं कि हम आपको सर्विस दे पाएँ। हमारा इनफैक्ट एक रेनोवेशन सेंटर भी है चाकन में, जिसमें हम क्या करते हैं कि जो इक्विपमेंट
जैसे कुछ कंपनीज ने अपग्रेड कर लिया है लेटेस्ट मॉडल, जैसे हम फ़ोन अपग्रेड कर लेते हैं तो उनका जो पुराना मशीन होता है वो हमारे पास आ जाता है, हम उसको फिर से डाटा पैक क्वालिटी से मैच करके उसको थोड़ा सा कम प्राइस पे पड़ता है, वो फिर हम उन कस्टमर्स को दे सकते हैं जो नया एकदम ब्रांड न्यू इक्विपमेंट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। ये भी कर सकते हैं। तो ये है कि जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए एक फ्यूचर काफ़ी ब्राइट होने वाला है अगर आपके साथ जुड़े तो। देखिए आज अगर हमारे पास सोल्यूशन ना भी हो, हमारे से बात करें, हम सोल्यूशन ढूंढेंगे ना। अच्छा बिल्कुल, सॉरी। ये हमारा दूसरा एक, आपने जैसे देखा होगा कि कार्टन में नेस्ले वगैरह के कार्टन्स में दूध आता है, तो उसके लिए ये इक्विपमेंट होता है एक सेपरेटर करके, जो उसकी प्रोसेसिंग होती है। हमारे कार्टन में जो दूध होता है अगर आप उसको डब्बा नहीं खोलें, कार्टन को खोले नहीं, तो वो 6 महीने तक रह सकता है फ्रिज के बाहर बिना ख़राब हुए। ये टेक्नोलॉजी है। अगर 6 महीने तक हो, जी जी, अगर आप एक डाबर का जूस खरीदते हैं या अमूल का दूध खरीदते हैं, वो कार्टन जब तक नहीं खुलेगा तब तक वो 6 महीने की शेल्फ लाइफ उसकी होती है बिना रेफ्रिजरेशन के और बिना प्रेजर्वेटिव के। उसके अंदर कोई प्रेजर्वेटिव नहीं होता है। वो टेक्नोलॉजी ही इस तरह की है कि आपको पता होगा खाने के अंदर एक माइक्रोब्स होते हैं जिसकी वजह से खाना ख़राब होता है, वो माइक्रोब्स को हम डीएक्टिवेट कर देते हैं। तो जो वो माइक्रोब एक्टिव होगा ही नहीं तो खाना ख़राब होगा ही नहीं, पर जैसे ही आप ढक्कन खोलेंगे उसमें एयर का भी इम्पैक्ट होगा, मॉइस्चर का भी इम्पैक्ट होगा, फिर वो नॉर्मल दूध की तरह हो जाता है, तो फिर वो ख़राब हो सकता है जैसे नॉर्मल दूध का तरीका होता है। ये एक इक्विपमेंट है, अगेन जैसे मैंने उधर कहा, बहुत बड़ी प्लांट की एक बहुत छोटा सा हिस्सा ये है जो कि ये दूध के सेपरेशन में मदद करता है, और ये भी मेड इन इंडिया है, ये भी हमारे चाकन प्लांट में बना है। जी सो कंपनी कहाँ की है ये? हमारी हमारा हेडक्वार्टर स्वीडिश कंपनी है, स्वीडिश कंपनी, और हम इंडिया में हैं 35 साल, इंडिया में से मैन्युफैक्चर, 35 साल से हम इंडिया में हैं, 35+ ईयर्स। जी ये किस तरह के मटेरियल, किस तरह के? ये सब एल्युमिनियम बनता है, फूड ग्रेड, एब्सोल्यूट, जैसे मैंने कहा नो कॉम्प्रोमाइज ऑन क्वालिटी, नो कॉम्प्रोमाइज ऑन फूड सेफ्टी। अब यहाँ पर आपने कुछ पैकेज शो किए हैं, इसके बारे में बता सकते हैं? भाई बहुत पैकेज ही नहीं, मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताती हूँ। ये जो हमारे कार्टन होता है, जैसे कि मैंने कहा कि ये एक स्पेशल प्रोटेक्टिव पैकेज होता है, इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप ढक्कन नहीं खोलेंगे तो 6 महीने तक आप फ्रिज के बाहर रखें, कोई चिंता नहीं है, और इसमें 70% पेपर होता है, तो एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छा है। अब मैं आपको दूसरी इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। ये जो आप देख रहे हैं ये सब मटेरियल, ये सब इसी कार्टन को जब आप ख़त्म कर लेते हैं, आपने फ्रूटी ख़त्म किया, आपने कार्टन फेंक दिया, उसको हम रिसाइकिल करके ये बोर्ड बनाते हैं जिससे आप कुछ भी बना सकते हैं। ये बेंच बना लीजिए, डेस्क बना लीजिए, हम अपनी कुछ जो हमारी चैरिटी प्रोजेक्ट्स हैं उसमें इनकी डेस्क बना के गरीब स्कूलों में डोनेट भी करते हैं। अच्छा, यहाँ पर आपने शोकेस किए हैं कुछ इसके एप्लीकेशंस, तो यहाँ पर ये सारे रिसाइकल मटेरियल से है। इधर आप इधर आ जाइए। तो ये आप सीट के फॉर्म में मैन्युफैक्चर करते हैं? जी, और हम नहीं करते हैं, रिसाइकलर्स होते हैं। अच्छा, जो ये जो यूज कार्टन होते हैं उनको इकट्ठा करते हैं और फिर ये बोर्ड बनाते हैं, और उस बोर्ड से फिर आप जो चाहे बनाए। ये जैसे जैसे आप लकड़ी लेते हैं उससे आप अलग अलग तरह की चीज़ें बनाते हैं, वैसे आप कुछ भी बना सकते हैं इससे। तो मैम यहाँ पर हमने तो प्रोडक्ट के बारे में देख लिया, अगर बात करें बिजनेस के बारे में, आप बिजनेस किस तरह से करते हैं? देखिए हम एंड टू एंड सप्लायर हैं किसी भी फूड एंड बेवरेज कंपनी के लिए, तो हमारे पास कोई भी कस्टमर आता है, जैसे कंपनी एक्स चाहती है कि वो एक नया फ्लेवर्ड मिल्क बनाए, तो वो हमारे पास आके कहेंगे देखिए हमें लगता है कि हमारा जो कस्टमर है उसको ये पसंद आएगा। तो हमारी चाकन में जो प्लांट है उसमें एक लैब भी है जिसमें हम वो रेसिपी भी फॉर्मुलेट करते हैं, उसको मार्केट टेस्टिंग भी कराते हैं उस, और फिर अगर उनको लगता है कि ये रेसिपी हो गई है परफेक्ट, तो हमारे पास फिर आप देख रहे हैं सारे पैकेजिंग भी है, इक्विपमेंट भी है, सर्विसेज भी है, तो हम एक टर्न की सोल्यूशन प्रोवाइडर की तरह काम करते हैं अपने कस्टमर्स। और ये तो जैसा कि कंपनी है और बड़े बड़े ब्रांड के लिए, बड़े बड़े कंपनियों के लिए आप वर्क करते हैं, तो उसमें हम सर्विस के बारे में, वारंटी के बारे में, इसके बारे में पूछ ही नहीं सकते, लेकिन पूछ लेते हैं क्या रहता है वारंटी सर्विस? सर्विस गारंटीज़ भी अपनी ग्लोबल स्टैंडर्ड से मैच करती है। अब वो डिपेंड करता है हर इक्विपमेंट पे कि क्या उसमें क्या क्या क्लॉजेज वगैरह हैं, वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। इट्स वी आर नॉट अ B2C बिजनेस, हम कंज्यूमर को नहीं सेल करते हैं, हम कंपनीज को सेल करते हैं, तो हमारा सर्विस वारंटी वगैरह उस हिसाब से होती है। हाँ, उस लेवल की होती है। जी जी।
अगर कोई आपके इन प्रोडक्ट्स में इंटरेस्टेड है, अगर कोई प्लांट लगवाना चाहते हैं, कैसे कॉन्टैक्ट करें आप? ये बड़ा आसान है, हमारी वेबसाइट पे जाइए datapack.com पे, और वहाँ पर एक क्वेरी फॉर्म होता है, आप वहाँ पर जो भी आपकी क्वेरी है उसमें काफ़ी सारी कैटेगरीज होती है, उसमें क्वेरी डालिए और वो क्वेरी फिर सही जो है रिप्रेजेंटेटिव के पास पहुँच जाती है एंड वी विल कॉन्टैक्ट। ज़्यादा जानकारी के लिए आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं और उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और एट लास्ट में मैम, आप अपने कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में दर्शकों को क्या बोलना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि देखिए, अगर आप एनवायरमेंटली कॉन्शियस हैं तो आप डेफिनेटली टेट्रा पैक कार्टन्स यूज़ करें, क्योंकि उसमें 70% जो है पेपर होता है, तो वो एनवायरमेंट के लिए अच्छा है, पेड़ वापस उग जाते हैं। और अगर आप एक कंपनी हैं तो आप टेट्रा पैक क्वालिटी के बारे में जानते ही होंगे। आपके दिमाग में अगर कोई भी आइडिया है, हमें कॉन्टैक्ट करेंगे, वी विल ब्रिंग इट अलाइव। थैंक यू। चलिए मैम, थैंक यू बात करने के लिए, धन्यवाद। थैंक यू।